हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं समुंदर में पानी देखने, क्योंकि बहुत पानी आया हुआ, हाई टाइड आई हुई है। तो चलिए फिर देखते हैं कितना पानी आया हुआ आज। बारिश हो रही है। और ये चर्च है जो कि बहुत ही सुंदर है, लेकिन आजकल लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई लोग आते होंगे यहाँ पे। और ये फूल तो इतने सुंदर लग रहे थे ना यहाँ पे, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज ना इतना पानी आया हुआ था, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी हुई थी और बाहर तक पानी आ गया था। जब तक हम गए तो थोड़ा कम तो हो गया था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी काफ़ी पानी था आज, तो हाई टाइड बताई हुई थी आज। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना यहाँ से। तो इस टाइम पे बहुत कम लोग थे, पानी ही पानी है चारों तरफ, देखेंगे आज भी बताया हुआ काफ़ी, तो अगर जा पाएंगे तो 2-2:30 बजे के बीच में बताया हुआ है हाई टाइड्स, अगर पॉसिबल हुआ तो जाके आएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो। कल तो इतनी बारिश हुई थी, हम वहाँ से जैसे ही निकले ना बहुत बारिश हुई थी, पूरे भीग गए थे हम तो। और रात में तो इतना सुंदर व्यू लगता है ना, पूरे रोड साइड में लाइटें लगाई हुई हैं, वो सब चालू कर देते हैं, और यहाँ पे फूल भी हैं इस साइड में, बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन आजकल रात को आना बंद है, जब लॉकडाउन खुल जाएगा अच्छे से तब हम आएंगे और ज़रूर दिखाऊंगी मैं यहाँ पे आपको। बारिश शुरू हो गई, घर जाना पड़ेगा, बहुत तेज हो रही है, भीग जाएंगे मुझे लगता है जाने तक। तो स्कूटी पे ही आए हैं तो हम, और अभी मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। तो मैंने दोपहर में ही करेलों में नमक लगा के रख दिया था ताकि उनका पानी अच्छे से निकल जाए, और थोड़ा इनको निचोड़ भी दूंगी दबा के इस तरह से, और हल्का हल्का अंदर से खाली करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, जो भी सख्त हो चुके होंगे उनको ही निकालूंगी, और उसके बाद मैं मसाला तैयार कर लूँगी। अब मैं बैंगन को भी अच्छे से खाली कर दूँगी अंदर से, और शिमला मिर्च भी इसी तरह से अंदर से हल्का हल्का खाली कर दूंगी, उनके बीज वगैरह निकाल दूंगी। और भिंडी को भी काट के रख दूंगी बीच में चीरा लगा के। और मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी, सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए थे मैंने प्याज में ही, और मैं गरम मसाला भी डाल दूंगी इसी में। और इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर डालूंगी, क्योंकि करेले हल्के खट्टे ही अच्छे लगते हैं। और इसको मैं अच्छे से मिक्सी में पीस लूंगी, और पूरे प्रॉपर तरीके से मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी नीचे। और अब मैं मसाले को सब्जियों में भर दूंगी अच्छे से इस तरह से,
शिमला मिर्च भी अच्छी तरह से भरूंगी अंदर से ताकि इसमें अच्छे से मसाला चला जाए। और बैंगन के अंदर भी, भिंडी भी इसी तरह से भर दूंगी मैं। आप एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती है इस तरह से सब्जी। और मैं आलू भी भरती हूँ साथ में, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं आलू इस तरह से भर के। आलूओं को पहले मैं अंदर से खाली कर दूंगी और उनमें भी मसाला अच्छे से भर दूंगी मैं। और जो मैंने करेले भर के रखे थे उनको मैं धागे से बांध दूंगी ताकि उनका मसाला ना निकल जाए। अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है, तो आप अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हो। और इसमें मैं जीरा डालूंगी पहले, और सबसे पहले मैं करेले डाल दूंगी, और उसके बाद आलू। यह अखिल डाल रहा है, उसको भी था कि मुझे डालने हैं, इच्छा हो रही थी उसकी। बच्चों को बहुत शौक होता है साथ में काम करने का। और अब मैं इनको सिम गैस पे पका लूँगी धीरे धीरे, और बीच बीच में इनको पलटते भी रहेंगे। गैस हम बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे, बस इसी तरह से। और जब हमारे आलू और करेले सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं बैंगन और शिमला मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि इनको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और भिंडी भी डाल दूँगी मैं, बस इस तरह से। और अब मैं बना रही हूँ भिंडी की चटनी, बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो इनको पहले मैं गैस पे रोस्ट कर लूँगी हल्का सा, और इनका जो कालापन है उनको हल्का हल्का मैं निकाल दूँगी इस तरह से चाकू की सहायता से। सच में बहुत अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। तो मैंने यहाँ पे प्याज, अदरक और हरी मिर्ची ले ली है, इनको मैं मिक्सर में डाल दूंगी, और साथ में भिंडी भी डाल दूंगी जो मैंने पहले गैस पे भून ली थी। और इसमें मैं नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी लाल मिर्च और साबुत जीरा। ये साबुत जीरा है, ये भी थोड़ा सा डालूंगी मैं, और हरा धनिया। अगर थोड़ा ज़्यादा करके हो तो और भी अच्छी लगती है, मेरे पास आज इतना ही था। और इसको मैं अच्छे से पीस लूंगी एकदम बारीक करके, और इसमें नींबू डालेंगे बाद में हम। बहुत टेस्टी लगती है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना भिंडी की चटनी की। और अब हम कर रहे हैं डिनर, पीछे बच्चे बैठे हुए थे, काफ़ी हंसी मजाक चल रहा था बहन भाई में। तो सच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये मिक्स वेज और भिंडी की चटनी का। आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ। आज तो ना बहुत तेज बारिश हो रही है, और अभी तो और भी तेज हो गई। बहुत तेज बारिश हो रही है, देखिए ना कितनी बारिश हो रही है। बहुत तेज बारिश हो रही है, ना बारिश में कर देती है ना। मुझे भी भीगना पड़ रहा है, सब अच्छे से बारिश गिरेगी ना, सब फ्रेश हो जाएंगे। आगे कर, सारे प्लांट धुल जाएंगे अच्छी तरह से। ये इसमें एलोवेरा है,
पूरा पानी हो गया यहाँ पे भी। चलिए तो इसके साथ ही करती हूँ वीडियो का एंड और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।